बैक टू द व्लॉग। और आज मेरे घर में लगा है नया 3 बर्नर वाला चूल्हा, जो मम्मी बनाने कितने वर्षों से कह रही हैं, पर फाइनली लग गया है। उसके चलते बहुत बहिसबाजी हो गई, इसलिए घर में शांति है। क्योंकि पापा लोग जब भी कोई काम करते हैं उसमें भी कभी कहानी भी निकाल देते हैं कि Bro, what are you talking about, man? ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? इसलिए अब तक कैमरा नहीं उठाया था। और आंटी थोड़ी सी शॉक्ड है कि मैं क्या कर रही हूँ, उन्हें पता नहीं है अभी। और इसका होगा पूजन, ये नन की। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते कर लो, नमस्ते कर लो। चूल्हा तो चलिए शुरू करते हैं। अब घर में कोई नई चीज़ आई है और वो भी खास कर किचन का चूल्हा, तो सबसे पहले उस पर बनेगा हलवा, ताकि उसका भोग लगाया जा सके ठाकुर जी को। तो बस सूजी चढ़ा दी है मम्मी ने हलवे के लिए। और नान को जा रही है अपनी नानी के घर गणेश जी से मिलने के लिए। और ये चप्पलें उसने फर्स्ट टाइम पहनी है, तो उसे बहुत अजीब लग रहा है पैरों में, तो वो बार बार इनको खोल देती है। ज्यादा नहीं कर रही है नानो, इधर देख, मार दूंगी। अरे तो चप्पल पहन ले नानो, इधर देख, इधर ये बाय कर देना। बाय। ऐसे ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, भरोसा है। मैं बहुत दिन से टाल रही थी कि पापा पासपोर्ट बनवाने की, कह रहे हैं बहुत टाइम से, और मैं सुबह जल्दी उठने के चक्कर में नहीं, पर आज पापा गुस्सा हुए बहुत ही ज़्यादा। वो अपने आप तैयार हो गए, मम्मी ने भी बताया तुम्हें फटाफट नहीं चाहिए अपने सामान लेके। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है। मेरी 10th की मार्कशीट, आप देख सकते हैं मुझे कितने अच्छे नंबर मिले हैं। इसके अलावा ये मेरा ग्रेड्स वाला है, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, और ये बस इस फाइल का यूज़ कर रही हूँ मैं ताकि मैं ये दे जा सकूँ। प्लस ये मेरे वोटर आईडी कार्ड, पेन और ये आधार, और फोटोग्राफ भी चाहिए होते हैं पर वो अभी हमारे पास है नहीं।
उसके बाद अपने घर की गली से निकल के मैंने और पापा ने मुश्किल से एक मिनट भी वेट नहीं किया, उतने में हमारी बस आ गई थी। जब से आगरा में एसी बसेस चली हैं इतना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है, मैं और पापा तो इसी से सब जगह ट्रैवल करते हैं मोस्टली। पैर ख़राब करने के बाद, दोपहर तक का समय ख़राब करने के बाद मैं सो गई थी, तो हम गए थे जब पासपोर्ट बनवाने, तो हमने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। मैं आप लोगों को समय देती हूँ मुझ पर हंसने का, हंस लो फिर ही आगे बोलूँगी। मतलब तो मेरे को और मेरे पापा को पता नहीं था कि अपॉइंटमेंट लेनी है, लेकिन हमें यह भी नहीं लगा था कि हमें जाते ही पासपोर्ट दे देगा वो किसी सामान की तरह। हमें लगा था कि कोई फॉर्म वॉर्म भरना होता है फिर डेट आती है। वी डिड नॉट न्यू कि हमें ऑनलाइन फॉर्म भर के खुद ही डेट मिल जाएगी। तो वहाँ अपना समूह लेके हम खड़े रहे बहुत देर तक, और फिर वापस आ गए। इतनी धूप में गए थे, इतनी धूप में वापस आ गए। उस दौरान मेरा तो गला ख़राब हो गया, पता नहीं क्या इंसान हो गई हूँ मैं, हर दूसरे दिन बीमार हो जाती हूँ। नॉनसेंस शरीर हो गया एकदम, पहले तो नहीं था ऐसा, अब तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ पागलपन। तो अभी मैं जा रही थी किसी काम से, हाँ वो सब छोड़ो, अभी लेट्स लुक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द डे। आज एक मेल आई कि मतलब मेरे ऑफिस से ही कि मतलब एक महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग ही घर से करना है, और फिर वो नेक्स्ट मंथ से वहाँ से शुरू होगी। तो अब से कल एक वेबिनार है हमारा 2-3 घंटे का, और उसमें पूरा बताएंगे क्या कैसी ट्रेनिंग है, एक महीने की क्या पढ़ना वढ़ना है, उसमें बीच में कोई टेस्ट वगैरह भी है, और क्या इंसेंटिव मिलेगा उस ट्रेनिंग का एक महीने की। तो इट्स अ गुड न्यूज़। और कल से शुरू हो जाएगा काम कुछ। तो पर एक महीना और रुकना है घर पर उसके बाद, और इसी दौरान अभी 1-2 दिन में मेरी ऑफर लेटर आ जाएगा। उन लोगों ने कहा है ऐसा, मतलब हाँ थोड़ा अजीब तो है कि ट्रेनिंग शुरू हो गई और ऑफ़र लेटर अब तक नहीं आया, पर ठीक है अब 2-3 दिन में आ जाएगा। तो मैं सबसे ज़्यादा कंसर्न मेरा लोकेशन को लेके आएगी, क्या लोकेशन आएगी। और एक महीना घर पे रहना, इसका मतलब मेरी जॉइनिंग ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में होगी। तो चलो वो तो सेकेंडरी थिंग है, पर लोकेशन क्या आएगी वो मेजर कंसर्न है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और वहाँ मैं फ़ोन लेके नहीं जा सकती हूँ। अब वो थोड़ा कुछ घर का कोई सीन है, और रात तक आऊँगी लेट। सो गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। और मौसम चेंज हो रहा है आई थिंक, इसलिए मैं बाहर रात में ना थोड़ा ठंडा हो जाता है, सुबह थोड़ी गर्मी है, तो उस वजह से अपना ध्यान रखो। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।